यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद के पर आज आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण जीके जीएस के बारे में बताएंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक ठंड किस स्थान पर पड़ती है? भारत में सबसे अधिक ठंड किस स्थान पर पड़ती है? तो लेह लद्दाख में। कहाँ पर पड़ती है? लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? कौन सा है? ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिमों का सबसे पवित्र धर्म स्थान कहाँ स्थित है? जो मुस्लिम है धर्म है उसका सबसे पवित्र स्थान कहाँ स्थित है? जो मुस्लिम धर्म है सबसे पवित्र धार्मिक स्थान कहाँ पे है? मक्का मदीना सऊदी अरब में। कहाँ पे? मक्का मदीना सऊदी अरब में। अगला क्वेश्चन है, कौन मुगल राजा अनपढ़ था? मुगल का कौन सा ऐसा राजा था जो अनपढ़ था? तो उत्तर क्या है? अकबर। अगला हमारा क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में सर्वप्रथम कौन सा प्राणी भेजा गया? अंतरिक्ष में सर्वप्रथम कौन सा प्राणी भेजा गया? तो कुत्ता। अंतरिक्ष में सबसे पहले किसको भेजा गया था? कुत्ते को। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? जो भारत का राष्ट्रपति है अगर उसको अपने पद से त्याग पत्र देना है तो किसको दे सकता है? उपराष्ट्रपति को। किसको दे सकता है? उपराष्ट्रपति को। समुद्री मार्ग से भारत पहुँचने वाला व्यक्ति कौन सा? जो समुद्री मार्ग था उस मार्ग से भारत पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? वास्को डिगामा था। कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? कोयले का सर्वाधिक उत्पादन भारत में कहाँ होता है? झारखंड में होता है। चीन की दीवार की लंबाई कितनी है? चीन की दीवार जो है उसकी लंबाई कितनी है? 21196 किलोमीटर। 21196 किलोमीटर। मानव ने पहली बार चंद्रमा पर चरण किस वर्ष में रखे थे? मानव जो था चंद्रमा पर पहली बार चरण किस वर्ष रखे थे? पहली बार कदम किस वर्ष रखे थे? 1969 में। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? जो मनुष्य है वो सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा धातु का। किसका? तांबे धातु का। संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा? ग्रीनलैंड है। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया? प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया? मदर टेरेसा जी को। किसको? मदर टेरेसा को। महाभारत में भीष्म का बचपन का नाम क्या था? महाभारत में भीष्म का बचपन का नाम क्या था? देवव्रत था। क्या नाम था? देवव्रत था। फ्रीज में कौन सी गैस होती है? फ्रीज जो है फ्रीज में कौन सी गैस होती है? फ्रियान होती है। फ्रीज में कौन सी गैस होती है? फ्रियान, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी भी बोलते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने राज्य हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 50 राज्य हैं। कितने? 50। के वन के और टू के का अर्थ क्या होता है? वन के का अर्थ होता है 1000 और टू के का अर्थ होता है 2000। अगला क्वेश्चन है, धन की देवी लक्ष्मी का वाहन क्या है? जो धन की देवी मानी जाती है उनका वाहन क्या है? उल्लू है। क्या है? उल्लू है। उल्लू धन की देवी जो है उनका वाहन क्या है? उल्लू है। हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? हिरोशिमा में पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को। कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को। अगला क्वेश्चन है, बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह है? जो बृहस्पति ग्रह है उसके कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? कितने हैं? 79 उपग्रह। कितने हैं? 79 उपग्रह। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नमस्कार।